एवरीवन वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर चल रहा है फार्माको थेरापोटिक्स, जो कि आपका सब्जेक्ट है डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ये सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है, इसमें काफी वीडियो लेक्चर पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट है, सेकेंड यूनिट हमारी यहाँ पे चल रही है जिसमें आपको पूरा ही सिलेबस आ जाता है। तो ये आपका पॉइंट वाइज यहाँ पे डिवाइडेड है, पॉइंट ए पॉइंट बी यानी कैटेगरीज वाइज वो सारी आपकी डिसीज हैं। तो जो हमने कैटेगरी सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है उसका जो ए पार्ट है उसके अंदर यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं जो आपके कार्डियोवास्कुलर डिसीज है। इसमें कुछ टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, जैसे कि हमने हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर डिस्कस किया था, सेकंड हमने एंजाइना पेक्टोरिस इसमें डिस्कस किया था। तो गाइस दोनों ही वीडियो लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से आप सारे वो लेक्चर वॉच कर सकते हैं। और देखिए एक इन्फॉर्मेशन आप पहले ही जान लें, यहाँ पे जो हमने लास्ट आपकी डिसीज यहाँ पे डिस्कस की थी एंजाइना पेक्टोरिस, तो आप अपने सिलेबस में भी चेक कर सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस और एंड करके वहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन दिया हुआ है। अब रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए दोनों के होने का जो रीज़न होता है बिल्कुल सिमिलर होता है और लगभग इसमें जितने हमारे फंक्शंस वगैरह मिलते हैं वो भी बिल्कुल सेम मिलते हैं। तो इससे हमें सीधा सीधा पता चलता है कि एग्जाम में आपसे वन ही डिसीज यहाँ पे पूछी जाएगी, या तो आपसे एंजाइना पेक्टोरिस पूछ ले या आपसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन पूछ ले, जो आपको MI और हार्ट अटैक के नाम से भी आ सकता है। तो इन दोनों में से एक ही आपसे पूछी जाएगी, तो आपको दोनों वैसे स्टडी करनी पड़ेंगी, पता नहीं कौन सी पूछ ले। दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी और काफ़ी ज़्यादा आपकी जो बेसिक नॉलेज आपके प्रोफेशन से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पहले जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर अपलोड किया है एंजाइना पेक्टोरिस आप उसको पहले वॉच कर लें। उससे होगा क्या, बिल्कुल वो जो हमने वहाँ पे आपको समझाया बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आएगा, वो क्या आएगा वो हम स्टडी कर लेंगे। इसको यहाँ पे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे आपकी समझ में यहाँ पे आ रहा होगा इन्फेक्शन, तो यहाँ पे इन्फेक्शन में सिर्फ ये आपका जो R है ये ही इसमें एक एक्स्ट्रा है, वरना पूरा वर्ड आपका वही है। तो यहाँ पे जब भी हम इसको यहाँ पे इन्फेक्शन बोलेंगे आपको ये इन्फेक्शन ही समझ आएगा, तो इसमें आप कन्फ्यूज ना हो। वो देखिए इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन शॉर्ट में हम कहते हैं MI, इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही में MI हार्ट अटैक, तो इस नाम से भी आपसे आ सकता है और खाली यहाँ पे हार्ट अटैक के नाम से भी आपसे आ सकता है। तो ये जो आपकी डिसीज है जिसके एक से ज़्यादा नाम होते हैं तो उसके चांसेस आपके एग्जाम्स में ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर खुद आपको घुमाने के लिए इनको देता है। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पूरी को फुल डिटेल्स में। तो सीधा सीधा हम चलिए इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो हमारा जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन डिसीज है ये एक ऐसी डिसीज है जिसमें क्या होता है, जो हमारा हर्ट होता है उसको प्रॉपर क्वांटिटी में चलिए आपको एक पेज के उससे समझाते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए क्या है कि हमारा हर्ट है, अब ये भाई हमारा हर्ट है तो हार्ट को क्या है पूरा ही ब्लड चाहिए पंप करने के लिए, बॉडी के एवरी पार्ट में उसको एक तरह से कहते हैं ना, हार्ट जो होता है पूरे ही जो आपकी बॉडी होती है उसमें ब्लड को पंप करता है। अब अगर वो पंप कर रहा है तो कब करेगा, जब उसको प्रॉपर क्वांटिटी में पीछे से मिलेगा। तो अगर उसको पूरी प्रॉपर क्वांटिटी में पीछे से मिल रहा है तो ईजिली वो उसको क्या करेगा, पंपिंग कर देगा। और अगर वो उसको ही नहीं मिल रहा है तो उसके जो हमारे हार्ट के जो पार्ट होते हैं वही अच्छे से वर्क वहाँ पे नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हार्ट के जो एक तरह से पार्ट्स हैं उन्हीं में ख़राबी आएगी, जिसकी वजह से पंप करना तो बहुत दूर की बात है, खुद ही वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है, मान लीजिए जैसे हमारे लंग्स से ब्लड आता है, जैसे हमने एंजाइना पेक्टोरिस में आपको समझाया, ये कहाँ से ले रहा है, देखिए लंग्स से आपके ब्लड लेता है यहाँ पे आपका जो हर्ट होता है ऑक्सीजन, और साथ ही में क्या लेगा वहाँ पे आपका जो ब्लड होगा तो यहाँ से ले रहा है। अब देखिए O2 भी पूरी जा रही है, ब्लड भी पूरा जा रहा है, तो नॉर्मल यहाँ से आपकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन मान लीजिए इसमें इसको ये पूरा कम्प्लीटली नहीं मिल रहा है, तो जैसे हमारे जो हर्ट होता है इसके काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम वेंट्रिकल ये हमारे सारे पार्ट होते हैं, तो इसकी जो एक तरह से कहें हमारी मसल्स हैं, इन मसल्स को ब्लड जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है, जिसकी वजह से जो इसकी मसल्स हैं वो पूरा प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही हैं, जिससे एक तरह से हम कह सकते हैं गलनी कह सकते हैं ना, बिल्कुल ये मतलब डैमेज होनी एक तरह से मरने यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। इसके पार्ट यहाँ पे कुछ मरने लगेगा, हार्ट का कुछ मांसपेशियाँ यहाँ पे वर्क करना छोड़ देंगी, इससे क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन जो पंपिंग थी उसमें यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, जिससे बॉडी में हार्ट अटैक हमारा हो जाता है। सीधा सीधा आप समझिए हमारे जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ये एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनको प्रॉपर क्वांटिटी में ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी सेल्स की डेथ होने लगती है और लास्ट में हार्ट अटैक एक इंसान को पड़ जाता है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा सीधा क्या हमारी ये डिसीज़ होती है। अब चलिए इसको पॉइंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं चलिए इसकी डेफिनेशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, और देखिए इसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हम कह सकते हैं AMI, साथ ही में हार्ट अटैक, तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे हम इसको जानते हैं और इस नाम से आपसे ही पूछा जा सकता है।
तो हिंदी प्लस इंग्लिश वाले बच्चे चाहे तो नोट साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको यहाँ पे हम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन AMI और हार्ट अटैक भी कहते हैं, इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू। तो हमारे जो मायोकार्डियल डिसीज है इसको नामों समझानते हो, साथ ही में ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको एक तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है बाई डेथ, किस चीज़ की, ऑफ कार्डियक टिश्यू, यानी हार्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेथ होने लगती है प्रॉपर क्वांटिटी में ब्लड ना मिलने के कारण, जिसकी वजह से क्या होता है सेल्स की डेथ होती है जिससे हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं। ड्यू टू डिस्टर्ब और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई, या तो हमारी ब्लड सप्लाई वो डिस्टर्ब हो गई बॉडी में कोरोनरी आर्टरी डिसीज वगैरह की कमी से, या साथ ही में क्या हो रहा है ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई, या किसी वजह से रुकावट हो गई है, जैसा ज़्यादा पेट चर्बी वगैरह खाने से रुकावट हो जाती है, या क्या होता है मतलब उसमें थक्का वगैरह जम जाता है आपकी जो आर्टरी होती है जिसमें एक तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है, तो इन कुछ कारणों से क्या होता है ये डिसीज हमें हो जाती है। ऑल्सो भी डिस्क्राइब एज इरिवर्सिबल डेथ ऑफ हार्ट सेल्स ड्यू टू इस्कीमिया। तो देखिए ये हमारी एक ऐसी मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से ऐसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इरिवर्सिबल डेथ। अब देखिए इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, ये डेथ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, सीधा सीधा आदान प्रदान हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं ड्यू टू इस्कीमिया। तो एंजाइना पेक्टोरिस में हमने आपको बताया था इस्कीमिया एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें हार्ट को प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और ब्लड भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से डिसीज कॉज यहाँ पे होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया हुआ ये हमारी क्या होती है। अब हम देखेंगे इसके यहाँ पे टाइप्स, कितने टाइप्स की हमारी ये डिसीज यहाँ पे होती है इसके अंदर हम देख लेते हैं डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल डायग्नोसिस इन्फॉर्मेशन। देखिए टाइप्स जो हम इसके बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि हमने अपने पास से बता दिए, या जिस टाइम इसको एक तरह से खोजा गया था इस डिसीज का फर्स्ट टाइम पता चला था तो वो लोग ऐसे नहीं थे डायरेक्टली उन्होंने अपने पास से टाइप्स बना दिए, उन्होंने जो इसको डायग्नोसिस एक तरह से इसको डायग्नोस किया जाँच की उसके बेस पर इन टाइप्स को यहाँ पर डिवाइड किया है। सीधा सीधा हार्ट अटैक के जो हमारे यहाँ पर टाइप्स हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो MI इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, हमारे जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है फॉलोइंग टाइप्स का होता है, जैसे फर्स्ट टाइप यहाँ पे हम देखेंगे दिस टाइप्स इज द रिजल्ट ऑफ इस्कीमिया। अब देखिए ये जो फर्स्ट टाइप का यहाँ पे क्या हो रहा है मायोकार्डियल यानी MI हमें हो रहा है हार्ट अटैक पड़ रहा है, ये ड्यू टू इस्कीमिया, यानी इस्कीमिया जो हमारी डिसीज होती है जिसमें हार्ट को जो ऑक्सीजन होती है ब्लड वगैरह जो होता है ये प्रॉपर क्वान्टिटी में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे कॉज होता है कॉज्ड बाई ये प्राइमरी कोरोनरी इवेंट। तो एक तरह से किसी तरह से कह सकते हैं जो प्राइमरी कोरोनरी इवेंट सीधा सीधा कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से क्या होता है हमें ये होता है। एग्जांपल अब ये हुआ क्यों, जैसे कि प्लेग, क्या है कि रैप्चर या मान लीजिए प्लेग हो गया, क्या है कि ब्लड हमने पीछे आपको बताया एंजाइना पेक्टोरिस में कुछ फेट वगैरह ज़्यादा से या ब्लड कहीं जम जाता है, एक तरह से क्या होता है फेट उसके ऊपर जम जाता है जिससे क्या होता है गांठ टाइप में बन जाता है हमारी वीन के अंदर जिसको हम प्लेग कहते हैं, जिससे प्रॉपर क्वांटिटी में ब्लड ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन कहाँ होती है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी वहां पे कैसे पहुंचेगा। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे टाइप टू। तो देखिए एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए, जितने टाइप यहाँ पे चेंज होते चले जाएंगे इतनी ही डिसीज हमारी भयंकर होती चली जाती है, क्योंकि स्टेप आपने देखा है ना, आपने सुना होगा भाई उनको हार्ट अटैक आया था, पहला अटैक आया, दूसरा अटैक आया, तीसरे में वो गुजर गए, चौथे पांच, तो इस तरह से तीन अटैक वो मोस्टली देखे जाते। तो इसी तरह से जो टाइप्स होते हैं जितने ज़्यादा डिफरेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन ये होती जाती है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप टू हमारा MI क्या होता है, दिस टाइप्स इज सेकेंडरी टू इस्कीमिया कॉज्ड बाय ए सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच। तो देखिए ये हमारा सेकंड टाइप जो होता है इसके अंदर क्या होता है हमारे सेकेंडरी यहाँ पे MI होता है, जिसके अंदर एक तरह से इस्कीमिया डिसीज तो हमें चल रही है जिसके चलते ही हमारी प्रोसेस रहेगी तो इस्कीमिया तो यहाँ पे रहेगी, कॉज्ड बाय ये ब्लड सप्लाई डिमांड मिसमैच। मान लीजिए ब्लड की सप्लाई कितना था, ऐसे समझिए आपको कोई माल सप्लाई करना है, भाई आपको कितना करना है, आपको एक गाड़ी माल सप्लाई करना है, आपने आधी गाड़ी किया तो वहाँ पे सप्लाई क्या होगी आपकी मिसमैच होगी, जितना आपकी पीछे कंपनी ने डिमांड की उतना आप उसको प्रोडक्ट नहीं दे पाए, तो इससे क्या होगा आपके आपसी संबंध या तो खराब होंगे या जो एक तरह से आपका फंड वहाँ पे रुका हुआ है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल हम आपको सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जितनी डिमांड है हमारे हार्ट को ब्लड की और ऑक्सीजन की वो प्रॉपर क्वान्टिटी वहाँ पर नहीं मिल पा रही, यानी जो हमारा मैच था सिमिलर हो रहा था वो एक तरह से मिसमैच वहाँ पे हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है जो हार्ट अटैक की कंडीशन है वो हमारी यहाँ पे बन गई है। और चलिए थर्ड टाइप यहाँ पे हम देख लेते हैं, दिस टाइप रिजल्ट इन सडन कार्डियक डेथ। ये जो थर्ड टाइप का हमारा अटैक होता है, आपने सुना होगा ना कि थर्ड अटैक आया और उस बंदे की क्या हो गई डेथ हो गई, तो थर्ड टाइप का ऐसा होता है ये एनी टाइम आ सकता है, इसके जो रीज़न है काफ़ी सारे हैं, सारे सबसे भयंकर होता है वो अचानक से क्या हुआ बैठे बैठे किसी को कार्डियक डेथ हो गई, एक तरह से हार्ट अटैक वगैरह आ गया, तो इस तरह के केसेस इसके थर्ड टाइप में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए इसके फोर्थ टाइप फिफ्थ टाइप
अभी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थे इसलिए हमने यहाँ पे आपको नहीं लिखा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आपकी डिसीज यहाँ पे हो जाती, तो आप ओनली एग्जाम में 3 टाइप लिखाई है, आपके लिए यहाँ पे इनफ हो जाएगा। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इथियोलॉजी। तो देखिए इथियोलॉजी जो है हमारी, इसका सीधा सीधा मीन्स है कारण, यानी हिंदी में हम कहते हैं कारण, किस कारण की वजह से ये डिसीज हमारी बॉडी में हुई, पनपी, क्या हमारे रीज़न रहे, ये इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे तो हम सभी जानते हैं हमारी जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है उसकी वजह से हमारी ये होती हैं, तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी वैसो स्पाज्म, तो मान लीजिए हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें वैसो स्पाज्म हो गया, तो वैसो स्पाज्म जो होता है, जिसको हमने पहले भी आपको बताया था, जो हमारी आर्टरीज होती है कोरोनरी आर्टरीज, उनमें बाई चांस ऐंठन आ जाए, जिसकी वजह से जो प्रॉपर क्वांटिटी में ब्लड बह रहा था वो नहीं बहे, इस तरह से आप समझिए हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं, इसमें ऐंठन आ गई, इस तरह से ये ऐंठ गई, इस तरह से हमारी ये हो गई, जिसकी वजह से जो प्रॉपर क्वांटिटी में जा रहा था यहाँ पे ये नहीं जाएगा, क्योंकि इनका जो एक तरह से गैप था वो कम हो चुका है। तो इस तरह से हमारी कोरोनरी आर्टरी वैसो स्पाज्म यहाँ पे हो जाता है, जिस वजह से डिसीज हमें कॉज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे क्या होता है यहाँ पे आर्थराइटिस, हमारा क्या होता है धमनी शोध एक डिसीज होती है, एक तरह से उसमें ही हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी इम्बोई, यानी क्या होता है जो हमारी कोरोनरी आर्टरी, जैसे पीछे हमने आपको बताया था, मान लीजिए क्या है हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं, इसमें क्या हो गया यहाँ पे क्लॉट जम गया, थक्का जम गया, ये इस तरह से, तो यहाँ पे कैप कम रहेगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिससे ऑक्सीजन भी प्रॉपर यहाँ पे नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से डिसीज़ हमें यहाँ पे कॉज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइपोक्सीमिया, यानी क्या होता है हमारी बॉडी में जो हमारी सी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मसला यहाँ पे हो जाता है। कोरोनरी एनेमोलिसिस से हो जाता है, कोकेन पॉइजनिंग जो हमारा क्या होता है, कोकेन आप सभी जानते हैं नार्कोटिक कैटेगरी में आता है, उसकी पॉइजनिंग बॉडी में हो जाती है, जो लोग इसका सेवन करते हैं उससे हो जाता है, साथ में इफिड्रीन पॉइजनिंग। तो इफिड्रीन आप सभी अच्छे से जानते हैं, आपने फार्माकोग्नोसिस में बहुत ही अच्छे से इसको स्टडी किया है। तो देखिए कारण हमें पता चल गया, हम देखें पैथोजेनेसिस, सिर्फ हमने अभी देखा किन कारणों से हमारी हो सकती है या हो रही है, अब हम देखेंगे किस तरह से ये पनपी, यानी रोग किस तरह से हमारी बॉडी में पनपा, जिससे परफेक्टली हमारी बॉडी में ये हो गया, जिसको यहाँ पर हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। हिंदी में हम कहते हैं इसको रोग जनन, यानी रोग जो जनना बॉडी में एक तरह से हुआ वो कैसे हुआ, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए एक डिसीज हमारी होती है, जैसे कि हमने आपको एंजाइना पेक्टोरिस में फुल डिटेल में हमने डिसीज के बारे में आपको बताया भी है, तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है कुछ आपको सिमिलर मिलेंगे, तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए हमने आपसे कहा पहले उस लेक्चर को यहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे क्या होता है एर्थ्रोस्क्लेरोसिस एक ऐसी डिसीज होती है जो एक तरह से मोस्ट कॉमनली कॉज करती है यहाँ पे MI, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, तो ये हमारी डिसीज होती है। साथ ही में क्या होता है थ्रोम्बोसिस इंड्यूस्ड बाई ऑस्थेमिया ए हार्ट रिलेटेड इम्बोलस दैट प्लक्स ए कोरोनरी आर्टरीज। तो देखिए क्या होता है जो एक तरह से हमारी डिसीज है यहाँ पे क्या है हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस, तो इसके अंदर क्या होता है जो हमारी एक तरह से आर्टरी होती है उसके अंदर क्या होता है यहाँ पे थक्का जम जाता है, जैसे पीछे भी हमने आपको बताया, ये थक्का क्या करता है यहाँ पे जम जाता है, इसमें ब्लड के सर्कुलेशन में रुकावट आ जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जो हार्ट की डिमांड है सेल्स की टिश्यूज की वो प्रॉपर क्वांटिटी में पूरी नहीं हो पाती है, जिससे जो हार्ट की एक तरह से सेल्स टिश्यूज होती है उनकी डेथ होने लगती है, जिससे हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है। तो ये हमारा यहाँ पे था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टरियल फिल्ट्रेशन ऑफ वॉल्यूवर डिसीज कैन कॉज एन एम्बोलस थक्का, और हमारे कुछ आर्टरियल फिल्ट्रेशन और साथ ही में क्या होता है वेलिकुलर डिसीज कुछ ऐसी होती हैं जो एक तरह से थक्का कॉज कर देती हैं आर्टरीज में, जिससे ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे रुक जाता है, एक तरह से बाधित हो जाता है, प्रॉपरली नहीं रुकता है पर प्रॉपर क्वांटिटी में भी नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लड सप्लाई टू ए पार्ट ऑफ द मायोकार्डियल इज कट ऑफ, मान लीजिए किसी भी इन सारी डिसीज के चलते जो हमारे हार्ट के एक तरह से पार्ट है कट ऑफ हो जाता है, यानी वो प्रॉपर क्वांटिटी वहाँ पे उसको नहीं मिल रहा है किसी भी पार्ट में, हार्ट के पार्ट में, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी डेथ हो रही है, किस चीज़ की टिश्यूज की हार्ट के। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एक डायग्राम देखेंगे, तो अभी हमने देखा यहाँ पे जो हमारी 3 एक तरह से डिसीज एक तरह से कह सकते हैं, जैसे एर्थ्रोस्क्लेरोसिस थी इसकी वजह से हो रहा था, आर्टरियल स्पाज्म हो रहा था इसकी वजह से हो रहा था, साथ ही में यहाँ पे एर्थ्रोस्क्लेरोसिस और साथ में प्लेग जो हमारा जम रहा था यहाँ पे थक्का थ्रोम्बस जिसको यहाँ पे हम कहते हैं, तो ये कुछ हमारी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से डिसीज हमारी हो रही है। तो फ्लोचार्ट आप बना के आ जाएंगे पैथोजेनेसिस में तो आपका ये चल जाएगा, आपके मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेंगे। तो क्या होता है मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये जो हमारे यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस होती है इसके अंदर फर्स्टली क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ब्लड में ऑक्सीजन में क्या होता है यहाँ पे रुकावट होती है, जिसकी वजह से रुकावट की वजह से डिसीज हो जाती है। साथ ही में इसमें क्या होता है प्लेग जनरेट हो जाता है, इसकी वजह से हो जाती है, और सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन और अचानक से ब्लड की सप्लाई रुक जाना, जिससे अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस टाइप की कंडीशन इन तीनों में यहाँ पे स्टार्ट होती है। देख लेते हैं
ओक्लूजन सडन नोट यूजली रिवर्सिबल, जो रिवर्सिबली हमारी बॉडी में देखिए जो टिश्यूज होती हैं क्या होता है वो ब्लड को लेती भी हैं देती भी हैं, एक तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस ब्लड सप्लाई की हमारी बॉडी में होती है, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एक तरह से रुकावट हो जाए तो भी ये डिसीज़ हमारी हो जाती है। अब आपको सेम सेम लग रहा होगा लेकिन डिसीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन ये क्या कर रही है अलग अलग तरीके से काम तो एक ही नहीं है, एक तरह से हार्ट अटैक यहाँ पे कॉज कर रही है, यानी जो हमारी MI डिसीज़ है उसका एक कारण यहाँ पे बन रही है, तीनों की तीनों तो अलग अलग तरीके से करती है, लेकिन मैंने हमारा इस्केमिया ही करती है। इसकी वजह से पीछे भी आपको बताया जो ऑक्सीजन और ब्लड है प्रॉपर क्वांटिटी में हमारे हार्ट को नहीं मिल पाता है, जिससे हाइपोक्सीमिया हमारी डिसीज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एंजाइना यहाँ पे हो गया। एंजाइना वाले पैथोजेनेसिस में आप इसको ऐड कर सकते हैं अगर आपको उसका यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि सेम है। अब देखिए जब ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ पे आपको कम हो गई, जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, तो एंजाइना हो गया। सेकेंड हमने वहाँ पे देखा था जो थ्रोम्बोलिसिस यहाँ पे प्रोसेस हो रही थी, इससे अनस्टेबल हमारा एंजाइना हो रहा था। थर्ड क्या हो रहा था यहाँ पे जो हमारा परमानेंट थ्रोम्बस यानी परमानेंटली जम गया यहाँ पे क्या चीज़ थक्का, ब्लड का थक्का अब आपकी आर्टरी में परमानेंटली जम गया है वहाँ पे नहीं घुल रहा है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई आपके बॉडी में कमी रहेगी, यानी आपकी जो हार्ट की सेल्स है टिश्यूज हैं वो वहाँ पे एक तरह से डेथ उनकी होने लगेगी, और जब ये कंडीशन यहाँ पे आएगी तो आपको यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस को क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो आप समझे होंगे जो MI है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, दिल का दौरा, ये सब क्या है, ये हमारा फाइनल यहाँ पे निकल के आता है, यानी डिसीज़ हमारी यहाँ पे हो जाती है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आए होंगे सारे ये पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको नॉर्मल हम कहते हैं सिम्टम्स, यानी मान लीजिए जो MI डिसीज किसी बंदे को हो रही है तो क्या स्टार्टिंग के सिम्टम्स उसको देखने को मिल सकते हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यानी स्टार्टिंग के भी और डेंजर जोन में जाने के बाद भी सिम्टम्स यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट जैसे चेस्ट पेन, तो देखिए आपकी जो लेफ्ट साइड होती है वहाँ पे आपका हल्का लेफ्ट साइड में आपका हर्ट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है स्टार्टिंग में मतलब हल्का फुल्का वहाँ पे पेन होता है, तो कुछ लोग इस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं, नॉर्मली सह लेते हैं, लेकिन अगर एक बार हो रहा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम आपको हो रहा है तो आपको इसकी जाँच करा लेनी चाहिए, लगता है ये इसकी शुरुआत वहाँ पर हो तो ये यहाँ पर होता है। साथ में फिर क्या होता है, थकान महसूस होने लगती है हल्का फुल्का चलने फिरने पर, ये यहाँ पर होता है। स्वेटिंग क्या होता है, पसीना ज़्यादा आने लगता है नॉर्मल जितना आता है उससे ज़्यादा, साथ ही में एंग्जाइटी होने लगती है, नोजिया हो जाता है, वोमिटिंग, उल्टी वगैरह हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, वीकनेस, कमजोरी आपको आ सकती है। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स थे, एक्सेक्टर हमने लगाया हुआ, यानी इससे ज़्यादा सिम्टम्स भी आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो जैसे कि आपको बताया बिना किसी दवाई के ट्रीटमेंट करना, तो एक तो होता है दवाई की थेरेपी आपने ले ली ट्रीटमेंट हो गया, एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एक तरह से बिना किसी दवाई के सेल्फ तरीके से कैसे उसको स्टार्टिंग में ही सिम्टम्स को रोका जा सकता है, डाइट चेंज करके, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, सारी चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे लाइफस्टाइल्स मेजर चेंज। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेक करना है कि हाँ भाई क्या कुछ गलतियाँ हमारे लाइफ में, कुछ ऐसा हम खा रहे हैं, कुछ ऐसा गलत काम हम कर रहे हैं जिस वजह से ये हमें यहाँ पे कॉज हो रहा है, तो आप उन गंदी आदतों को एक तरह से जो स्मोकिंग वगैरह उसके हमारा मीन से यहाँ पे, तो इस तरह से आप उनको छोड़ सकते हैं जिससे आप इससे बच सकते हैं। स्मोकिंग ओकेशन जिससे अभी आपको बताया उसको छोड़ सकते हैं। अवॉइड अल्कोहल इनटेक, ज़्यादा शराब आप पीते हैं तो जिससे आपका लीवर वगैरह डैमेज हो सकता है, तो ये भी यहाँ पे एक तरह से रीज़न होता है। डाइट एंड न्यूट्रिशन, डाइट आप अच्छी लीजिए, न्यूट्रिशन इतना लीजिए जिससे आपकी बॉडी नॉर्मली सर्वाइव कर सके। देख लेते हैं लॉस बॉडी वेट, तो देखिए आपका बॉडी वेट हमेशा यहाँ पे रीज़न होता है। सीधा सीधा आप समझिए जितनी आपकी बॉडी में बीमारी होती है सबसे ज़्यादा आपका बॉडी वेट वहाँ पे होता है। अब आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, हाइपरलिपिडीमिया जैसा हम आगे डिस्कस करेंगे, या ब्लड का थक्का जो जमता है उसके लिए भी मेन रीज़न ये हमारा होता है। तो बॉडी वेट आप अपनी बॉडी का मेंटेन रखिए जिससे इस तरह की डिसीज से आप बच सके। साथ ही में इंक्रीज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आप इंक्रीज करिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन आपका बढ़ता है, बॉडी यहाँ पे एक तरह से नॉर्मल आपकी रहती है, तो इससे आप मतलब सेल्फ एक तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशंस। अब हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रीटमेंट रहेगा जो दवाइयों के थ्रू यहाँ पर हम थेरेपी लेते हैं उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी होती है यहाँ पर ब्लड थिनर्स, तो देखिए ब्लड थिनर्स एक तरह से जो ब्लड को जमने से बचाएं एक तरह से, तो ब्लड अगर वो जमेगा नहीं हमारी बॉडी में तो थ्रोम्बोसिस या उसकी प्रोसेस नहीं होगी, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, जिससे जो ब्लड का एक तरह से सर्कुलेशन है, हार्ट की एक तरह से जो टिश्यूज होती है उनको प्रॉपर क्वांटिटी में वो मिलेगा, जिससे डिसीज आपकी नहीं होगी, जैसे हमारी एस्पिरिन होती है। दिस ब्रेक द ब्लड क्लॉट, तो क्या करते हैं ब्रेक कर देती है एक तरह से, तोड़ती है ब्लड के क्लॉट को जो थक्का होता है इन द आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर, तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं रिज्यूम कर देती है नॉर्मल ब्लड फ्लो को, एक तरह से सीधा सीधा कहें तो नॉर्मल ब्लड फ्लो को वहाँ पे कर देती है।
इसके यूज़ करने से ब्लड का फ्लो है नॉर्मल हो जाता है, थक्का जो है एक तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तोड़ जाता है, तो ये हमारी काफ़ी इफेक्टिव है। साथ ही में थ्रोम्बोलाइटिक्स, तो ये हमारे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिजोल्व कर देते हैं ब्लड क्लॉट को। एक तरह से थ्रोम्बोलाइटिक्स हमारे सब्सटेंस होते हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ब्लड के क्लॉट को एक तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी उसको घोल देती हैं, जिससे कि ब्लड का जो फ्लो है एक तरह सर्कुलेशन वो नॉर्मली होने लगता है। सीधा सीधा जो मेन हमारा इसका क्या था डिसऑर्डर था, जो ब्लड का थक्का जम रहा है उसको यहाँ पे हम अगर घोल देंगे एक तरह से, जो जमा हुआ एक तरह से जो हमारा प्लेग जम जाता है, तो वो अगर यहाँ पे घुल जाएगा तो इजीली हमारी डिसीज ट्रीट हो जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। तो देखिए एंटी प्लेटलेट ड्रग्स ऐसी होती है, इनका भी मेन वर्क क्या होता है, जो न्यू क्लॉट जम रहा है आपकी बॉडी के अंदर उसको यहाँ पे जमने से रोकती हैं एक तरह से, जिससे क्या होता है कि इजीली ब्लड का फ्लो हो सके। दिस प्रिवेंट, ये रोकती हैं द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट, जो फॉर्मेशन हो रही है न्यू क्लॉट की यानी प्लेग की, एंड ग्रोथ ऑफ एक्साइटिंग क्लॉट, और उसकी ग्रोथ को भी एक तरह से ये रोकती हैं। नेक्स्ट हमारा आते हैं ACE इनहिबिटर्स। तो ACE इनहिबिटर्स जो है मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हाइपरटेंशन में हमने इसको स्टडी किया, साथ में एंजाइना पेक्टोरिस में भी हमने इसको देखा था, और आगे जितने डिसीज है मोस्टली में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे क्या करती है, लोअर कर देती है ब्लड के फ्लो को और रिड्यूस कर देती है स्ट्रेस ऑन हार्ट, यानी हार्ट पर जो एक तरह से स्ट्रेस पड़ रहा है, जो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हार्ट को आपको ज़्यादा लोड करना पड़ेगा, तो ये ड्रग क्या करती है ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, बीपी को, जिससे आपके जो हार्ट का वर्क है उसको यहाँ पे कम कर देती है, जिससे हार्ट जो ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है वो थोड़ा कम कर देता है, तो उसको थोड़ा कम क्वांटिटी में पीछे से मिल भी रहा है तो वो इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। साथ ही में हम यहाँ पे पेन रिलीवर्स का यूज़ करते हैं, जब भी स्टार्टिंग में क्या होता है या ज़्यादा आपको हो गया तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पेन होता है आपके हार्ट में, तो उसको रिमूव करने के लिए पेन रिलीवर्स का हम यूज़ करते हैं, सीधा सीधा पेन को ट्रीट करने के लिए। तो आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। तो गाइस आपका जो टॉपिक था सिर्फ इतना ही था, देन हमारे जो आने वाली डिसीज़ यहाँ पे रह चुकी हैं उनको हम फुल डिटेल में ऐसे ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और देखिए यहाँ पे लेक्चर आपके थोड़े स्लो चल रहे थे पिछले कुछ दिन से, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, कुछ वायरल हमें हो गया था इस वजह से क्या है कि लेक्चर थोड़ा आपके डिले हो रहे थे, लेकिन अब हम आपको कंटिन्यू यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।